बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, जिस वैकेंसीज का आपको इंतजार था, जिस भर्ती का आपको इंतजार था, बस CRPF में असिस्टेंट कमांडर की यहाँ पे भर्तियाँ आ चुकी है दोस्तों। 2021 के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF ने आपका जो है इनवाइट करा है एलिजिबल कैंडिडेट को, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को आपका असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई जरूर करिएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, अगर एलिजिबल हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF ने आपका असिस्टेंट कमांडेंट यानी सिविल और इंजीनियरिंग पदों के लिए यहाँ पे आपका CRPF.government.in की वेबसाइट में जाके आप लोग इसका रिक्रूटमेंट की भर्तियों का आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक आवेदन आप इस लोग कर पाएंगे। मैं आपको टोटल इसके बारे में बताता हूँ, इस रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, जो आपका ये रिक्रूटमेंट करा रही है ये बॉडी है आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है, सबको पता है CRPF, ठीक है, पुलिस फोर्स है हमारी इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट अपनी पुलिस फोर्स है CRPF। तो इसका आपको अगर हिस्सा बनना, असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पे भर्तियाँ निकली हुई हैं, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, वैकेंसीज केवल 25 है दोस्तों, 25 वैकेंसीज हैं, और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मुझे बस एक जॉब चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए, तो मेरे लिए 25 जॉब वैकेंसीज बहुत है। तो ये चीज़, ये सोच हमेशा रखना, और इसी बेसिस पर आप लोगों को तैयारी रखनी है अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पे आपका मोड जो रहेगा आपका ऑफलाइन रहेगा, जॉब कैटेगरी डिफेंस रहेगी, आपकी डिफेंस की जॉब है भैया। और यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग जो डेट है अप्लाई करने की 30 जून है, 30 जून को तैयार रहना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। 30 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हो, 29 जुलाई तक तैयारी पूरी रखो, इसकी प्रिपरेशन पूरी जारी रखो। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, आपका PST होगा, PET होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, रिटन टेस्ट जो होता है, लिखित एग्ज़ाम, मेडिकल जिसमें आपको मतलब पूरी आपकी मेडिकल एग्जामिंग किया जाता है, ठीक है, इंटरव्यू, साक्षात्कार, जाहिर सी बात है CRPF.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बड़ी पोस्ट है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन PDF में मैंने इसके वीडियो में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स इसकी, 18 जून को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका दोस्तों 30 जून से लेकर 27 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम डेट नहीं बताई गई है अभी, एग्जाम डेट इसलिए नहीं बताई गई है, रीज़न पता है आपको, कोरोना वायरस, ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। यहाँ पे 25 वैकेंसीज हैं आपकी, और केवल 25 वैकेंसीज है, 25 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका जनरल की केवल 13 वैकेंसीज है, 13 वैकेंसीज हैं, EWS की 2 हैं, OBC की 6 हैं, SC की 3 हैं, ST की 1 हैं, टोटल 25 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, EWS का, OBC का, SC का, ST का, जिन्होंने नहीं बनवाया है इसके लिए। आपको यहाँ पे बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री आपका सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए ही है ये वैकेंसी, ये केवल सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री यानी BTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं, BE वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है। एज लिमिट जो है आपकी 35 साल रखी गई है, 35 साल से ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है, सॉरी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 35 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ही रखी गई है, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट कितनी भी हो, आप चाहे 16 साल के हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका नेशनैलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे और भी जो होते हैं नेपाल भूटान के भी, उनके कुछ रूल रहते हैं, खैर आप तो इंडियंस के हो, इंडिया के हो। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो होगा डेली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म CRPF रिक्रूटमेंट का आपको ऑफलाइन माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा, यानी कि आपको डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। कैसे भेजोगे मैं बताऊँगा। एप्लीकेशन आपको जो होगा पूरी डिटेल में मैंशन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लगेगी आपकी डॉक्यूमेंट की, ठीक है, हर एक जो डॉक्यूमेंट यहाँ मांगा जाता है उसकी फ़ोटो कॉपी लगेगी, और 2 रिसेंट आपकी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगी, 2 एनवेलप लगेंगे, ठीक है, जिसमें आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस रहेगा, आपका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, मतलब 2 लिफाफे आपको डालने पड़ेंगे, एनवेलप टाइप के एनवेलप रखने पड़ेंगे उसमें अपने, एक बड़े लिफाफे में, मतलब ये है कि आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है, मैं आपको पूरा बताता हूँ, एनवेलप लेना है, उसके अंदर आपको 2 एनवेलप डालने, उसमें आपको अपने एड्रेस लिखना है, ठीक है, 2 फोटोग्राफ डालने हैं, बाद में कुछ डॉक्यूमेंट भी डालने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या डालने हैं, जैसे आपकी जो आपकी मार्कशीट हो गई, आपका सर्टिफिकेट हो गया, उसकी फोटोकॉपी, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। और उसको आपको यहाँ पे जो आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन है, ये आपको सेंट्रल पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन आपको रिटर्न करना है, आपको एनवेलप में ये चीज़ आपको मेंशन करनी है, इसको भी आप लोग प्रिंट करवा लेना, ये पेपर में लिख लेना, मतलब MS ऑफिस खोलना, उसमें आपको ये टाइप करना पड़ेगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन 2021। इसको लिखने के बाद आप लोग उसको प्रिंट आउट ले लेना, बड़ा सा करा लेना, उसको वहाँ पर चिपका देना एनवेलप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको
29 जुलाई से पहले यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको उसको भेजना है। इस एड्रेस पे आपको दोस्तों इसे भेजना है एनवलप में, चाहे तो रजिस्ट्री द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा आप लोग जिसके भी थ्रू कर सकते हैं, तो ऑफलाइन माध्यम से करना है। DIG ग्रुप सेंटर CRPF रामपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर UP, ठीक है, 244901 इसका पिन कोड है, ठीक है, तो हमारे UP का है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एप्लीकेशन जो होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो फोटोग्राफ नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई करेक्शन चेंज करता है कोई एप्लीकेंट फॉर्म में, तो वो आपका किसी भी अगर वो रिक्वेस्ट करी जाती है, मान लीजिए आपने फॉर्म भर के दे दिया, आपको उसने गलत भर दिया है, मान लीजिए मैंने अपना नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो मैं उसे वापस सही नहीं कर सकता, फॉर्म रिजेक्ट है मेरा। तो आराम से भरना, ये नहीं हड़बड़ी में कुछ भी भर दिया, ठीक है। तो ये CRPF वालों ने यहाँ पर बहुत सख्ती रखी है, क्योंकि उन्होंने ये ध्यान दिया जो एक बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता वो एग्ज़ाम क्या निकालेगा, तो वो ये सोच रखे रखते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये रूल रखा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी और EWS और OBC कैटेगरी के 400 रुपया है, 400 रुपीज़ है EWS के लिए, अनरिजर्व जनरल वालों के लिए, OBC के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी SC ST वालों के लिए और फीमेल्स के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, यानी लड़कियों के लिए कोई फ़ी नहीं है, SC ST जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे है, ठीक है, जो और EWS वालों के लिए भी है। तो CRPF का असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपके इस तरीके से आपके 5 स्टेजेस रखे गए हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, स्टेज फाइव। स्टेज फर्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा फिजिकल, और सेकंड में आपका एग्जाम रिटन टेस्ट होगा, स्टेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, फिर आपका स्टेज फाइव में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन पूरा आपका दे दिया है उसमें डिस्क्रिप्शन में, इसका दे रखा है लिंक, आपको ये ढूंढ रहे अपना फॉर्म ढूंढ रहे तो सबसे लास्ट में आइए किसी भी नोटिफिकेशन में, तो आपको उसका फॉर्म सबसे लास्ट में ही मिलेगा, जैसे इसका फॉर्म जो होगा सबसे लास्ट में होगा, ये रहा इसका फॉर्म, ठीक है। कैसे अप्लाई करना देखो मैं बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए मैंने पहले बता रखा है कोई गलती नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से भरना। देखिए यहाँ पे पहले दे रखा नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, मतलब क्या ब्लॉक लेटर भैया, सब चीज़ कैपिटल लेटर में लिखना है, मेरा नाम नवीन है, नवीन इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है, नवीन, मैं इस ये इतने छोटी छोटी तरीके से नहीं बताता हूँ, इस स्मॉल लेटर में ही लिखूँगा, बड़े लेटर में लिखूँगा, तो ये सही है ये गलत है, ठीक है, इस तरीके से छोटे लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है। पिताजी का नाम जो फादर्स नेम और हस्बैंड नेम, अगर लड़कियां हैं तो वो हस्बैंड नेम लिखेंगी या फादर का लिख सकती हैं, तो उन्हें भी ब्लॉक लेटर में लिखना है, ठीक है, आपने ये जो दे रखा है ब्रैकेट में ब्लॉक लेटर, मदर्स का नाम भी ब्लॉक लेटर में, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे आप लिख सकते हैं जैसे मेरा आता है, मेरा आता है आपका 13 अक्टूबर 1995 में आता है, तो मैं इस कर दूंगा, आप यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिख दूंगा, जैसे मान लीजिए मैं जनरल में आता हूँ तो मैं जनरल लिखूंगा, आप लोग जिसमें भी आता है लिख सकते हैं, मेल या फीमेल, जैसे मैं मेल लिख दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग एक काम करना, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये तो ऊपर वाले ब्लॉक लेटर में लिख दिए, ये नीचे वाले भी आपको ब्लॉक लेटर में लिखने हैं, ठीक है, ब्लॉक लेटर में उनको लिखना है जिनके ब्रैकेट में ब्लॉक लेटर लिख रखा है कि ब्लॉक लेटर में लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप मेल फीमेल में तुम चाहे तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, मेल या आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगा, परेशान मत होना। नेशनैलिटी इंडियन हो भैया, एग्जामिनेशन सेंटर आप ऊपर दे रखा होगा, एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे होंगे यहाँ पे, वहाँ से चूज करके डाल देना यहाँ पे कोई भी, ठीक है, जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए एज पर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दे रखा होगा, ऊपर देख लेना नोटिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स सर्विस मैन हो तो अपना एनरोलमेंट नंबर, रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, लेंथ कितनी थी सर्विस की वो डाल देना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, अगर हो तो यहाँ पे एड्रेस, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन सब डाल देना, मैरिटल स्टेटस डाल देना, रिलीजन डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, ईमेल आईडी जो यूज़ करते हो, मोबाइल नंबर, ये एक्टिव रहनी चाहिए, ये नहीं कि तुमने मोबाइल नंबर जो डाला है वो आज बंद है, नहीं आज चालू है तो 10 दिन बाद बंद है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है चालू होना चाहिए। आपके पास अगर नहीं है अपना मोबाइल नंबर तो आप पिताजी का डाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। आधार नंबर आप डालना, ठीक है, यहाँ पे आपको लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे रखना है, एग्जामिनेशन पास रखना है, आपको कैसे रखना है, देखिए यहाँ पे सीधे तौर पे बताया गया, देखिए मैं बिल्कुल सीधे तरीके से बता रहा हूँ कैसे भरना है फॉर्म। कमेंसिंग विद मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, पहले 10वीं के लिखना, ठीक है, और इक्विवेलेंट टिल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको 10वीं के लिखना है। वैसे इन्होंने यहाँ पे कितने कॉलम दे रखे हैं आप लोग देख सकते हैं, 3 कॉलम दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। यहाँ पे 10th के आ जाएंगे, यहाँ पे 12th के आ जाएंगे, यहाँ पे आपका BTech के आ जाएंगे या BE के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप परसेंटेज लिख देना, ईयर कब पास किया, सब्जेक्ट लिख देना, इसको थोड़ा इस तरीके से बढ़ा देना लाइन को, है ना, ताकि आप लोग तीसरा एक आप रो और कॉलम पूरा बना सकें, ठीक है। तो इन्होंने तीसरी जगह दे रखी है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग भर सकते हो।
तो मैट्रिकुलेशन के साथ आप लोग कर सकते हो, मैट्रिकुलेशन से आप बढ़ते क्रम में से लगा सकते हो। एक्सपीरियंस है तो डाल देना भैया, हाइट वेट अपना चेस्ट नाप के इंच टाइप से डाल देना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंड करने पे कितनी होती है, एक्सपेंड करने में कितनी होती है वो चेक कर लेना, बाकी तो वो चेक करेंगी। बाकी अपना एड्रेस यहाँ पे डालना, कुछ नहीं करना, एड्रेस डालना है ठीक है, इस तरीके से डालना है। यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे भी एड्रेस डालना है, और यहाँ पे बस क्या करना है, कहीं क्रिमिनल केस में कोई तो नहीं थे, नहीं होंगे जैसी बात है, नो लिखोगे डिक्लेयर करके, यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, और ये पूरा फॉर्म है, और उस पते पे भेज देना जो मैंने आपको बताया था ठीक है। तो यहाँ पे आपका टैटू का भी कुछ दे रखा है, टैटू ये सब पढ़ लेना, टैटू नहीं होना चाहिए भैया बना हुआ, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को खुद ही देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू पर्सनैलिटी का, हर एक चीज़ के मार्क्स दे रखे हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, जब इसका अप्लाई ऑनलाइन करेंगे जब हम लोग, एक वीडियो मैं और बना दूंगा ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो सिलेबस भी दे रखा है, यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है। चले मैं बता ही देता हूँ, कोई वीडियो बड़ी हो जाती है तो जिनको बच्चों को समझना होगा तो समझेंगे ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपका मैं पूरा का पूरा इसका नोटिफिकेशन बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखें, देखिए स्टेज वाइज जो आपका रहेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका जो आपके ये रहेगा आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा है कि स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, यानी पहला जो फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू। फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका फिजिकली स्टैंडर्ड हाइट, चेस्ट और वेट नापी जाएगी दोस्तों, हाइट वेट और चेस्ट यहाँ पे नापी जाएगी, अपने हिसाब से वो लोग देखेंगे ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को तैयार रहना है। यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा आपका 100 मीटर तक, आपको जो लड़के होंगे उनको 100 मीटर तक दौड़ाया जाएगा 16 सेकंड के लिए, फीमेल्स को 18 सेकंड के लिए 100 मीटर तक दौड़ाया जाएगा। वहीं अगर हम 3 मिनट मेल की बात है, 3 मिनट 45 सेकंड तक, यानी 3 मिनट 45 सेकंड तक उन्हें 800 मीटर की रेस में भाग लेना होगा ठीक है। और जो लड़कियां रहेंगी उन्हें 4 मिनट 45 सेकंड की रेस में 800 मीटर कवर करना होगा। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें, तो अगर लड़का है तो उसे देख सकते हैं 3.5 मीटर तक उसे छलांग मारनी होगी ठीक है, लॉन्ग जंप करनी होगी, वही लड़कियों को 3 मीटर तक। और यहाँ पे जो शॉर्ट पुट है आपका करीब 7.26 का दे देते हैं, 7.5 किलो का ही मान लो शॉर्ट पुट, एक गोला होता है ठीक है लोहे का, उसको दे देते हैं आपको, उस भार को आपको फेंकना पड़ता है आपको 4.5 मीटर तक आपको फेंकना पड़ता है ठीक है। केवल लड़कों को 3 चांस दिए जाते हैं, मतलब एक पहली बार में नहीं फेंक पाया, दूसरी बार में 3 चांस दिए जाते हैं यहाँ पर टोटल ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बता दिया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बता दिया आप लोगों को। वहीं आपका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका पेपर जो, फिर आपका रिटर्न एग्जाम जो होगा उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके, 500 मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स का 2 पेपर होगा, देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आपका 500 मार्क्स का है दोनों पेपर। अब पहला पेपर में क्या होगा, देख पहला पेपर जो होगा दोस्तों वो आपका 2 घंटे का रहेगा और वो होगा 200 मार्क्स का ठीक है। यहाँ पर देख लो 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड, इंग्लिश इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा वेटेज है 50 क्वेश्चन है 100 नंबर के ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबको फेल कराता है या पास कराता है ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो यहाँ पे आपकी पेनल्टी भी दोस्तों रहेगी 1/3 की, बहुत बड़ी बात है 1/3 की, हर जगह 1/4 की रहती है, यहाँ पे 1/3 की दे रखी है। मतलब क्या है यहाँ पे भाई, 0.33 का मतलब है 0.33 की नेगेटिव मार्किंग। अगर 3 क्वेश्चन लगातार गलत कर देते हो तो 1 नंबर गया, तो बहुत संभल के करना, ये नहीं कि बिल्कुल ही तुक्के मार रहे हो, तो तुक्के मत ही मारना, जो आता है वही करो। कई कई बार ऐसा होता है कि जो हम कम करके आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। पेपर सेकंड पूरा सिविल इंजीनियरिंग से रहेगा, 3 घंटे का रहेगा और टोटल मार्क्स 300 मार्क्स के रहेंगे। आपके जो सिविल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा है दोस्तों वही आएगा इसमें, पूरे पेपर सेकंड में पूरा आपका जो रहेगा पूरा का पूरा वही आएगा। जैसे सिलेबस की बात हो, जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, आपका जो इंजीनियरिंग बेसिक इंजीनियरिंग एग्जाम में कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और मटेरियल साइंस आती है आपकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इस तरीके से आप पूछा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की पेपर जो सेकंड होता है उसमें आपका पूरा सिविल से पूछा जाता है। सिविल क्या मतलब, जो आपने 4 साल तक मेहनत करी है वो यहाँ पर काम आएगी। बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिज़ाइन एंड स्टील, जो सोम होता है, सोम तो बहुत पूछा जाता है भैया,
SFD BMD पूछा जाता है दवा के, तो यहाँ पे इस तरीके से पूछे जाते हैं आपका डिज़ाइनिंग कंक्रीट मैसनरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, इनसे काफ़ी मतलब फ्लूड मैकेनिक्स से तो भरपूर आता है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलॉजी से पूछा जाता है, वेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट से, इनसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग सर्वेइंग से बहुत आता है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन सोलर एनर्जी इन सब चीज़ों से आता है, तो मतलब पूरा ही इंजीनियरिंग यहाँ पर कवर होता है, बीटेक के 4 साल यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। 4 साल का केवल सिविल वाला जो पार्ट होता है यानी सेकंड ईयर से जो भी आपने पढ़ा है थर्ड ईयर तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड फोर्थ साल मतलब आप मान के चलिए जो आपने थर्ड सेम से लेकर आपने सेवन्थ सेम तक पढ़ाया सिक्स सेम तक पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आता है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आपकी 10th की मार्कशीट चेक होगी, इंजीनियरिंग की डिग्री चेक होगी, कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा, आपका परमानेंट एड्रेस अकाउंट ये आपका आधार नंबर आधार कार्ड चेक हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी चेक हो जाएगी, फोटोग्राफ चेक हो जाएगी, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे रखा गया है, देखिए इस तरीके से रखा गया है, आई साइट जो होनी चाहिए आपकी आपकी कैंडिडेट की अच्छी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो बेटर आई होनी चाहिए बेटर, अगर जिनकी 6x9 है 6x12 है 6x9 या 6x12 है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पास है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है, देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे समझने की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका एक तो होता है नियर विज़न, एक होता है आपका डिस्टेंस विज़न, मतलब पास की जो चीज़ें होती हैं और एक होती है डिस्टेंस विज़न, दूर की चीज़ें जो होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो रखा है जो आपका नियर विज़न होता है ना उसका जो होता है बेटर आई के लिए आपका 6x6 की रखी गई है, ठीक है। अगर 6x9 हो जाता तो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर डिस्टेंस के लिए भी आपका 6x6 ही रहना चाहिए, 6x9 है इस तरीके से, हाइपरमेट्रोपिया है, मेट्रोपिया है, दूर दृष्टिकोण है, निकट दृष्टिकोण है, तो मतलब किसी भी तरीके का आईज में प्रॉब्लम है तो वो नहीं, वो गलत है, वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को रखा गया, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं, और यहाँ पे ये कुछ कंडीशन भी रखी गई, इनको पढ़ लेना कि अगर दाहिने हाथ की आई सही है बाहिने हाथ के कम से, तो उसके लिए बाइनोकुलर वर्जन विज़न के बारे में दे रखा है, जिन्होंने लेज़र सर्जरी करा रखी है उनके बारे में दे रखा है, तो आप लोग अप्लाई जरूर करके देख लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग की लेज़र कराने के बाद सही है तो आप लोग अप्लाई जरूर करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, पिटी माने जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर रखा है इंटरव्यू दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ, देखिए इंटरव्यू यहाँ पर आपका होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, आपका इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा CRPF द्वारा तो आपको 100 मार्क्स दे जाएंगे आपको इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो आपको नॉलेज होगी प्रोफेशनल टेस्ट की उसकी 40 मार्क्स मिलेंगे, जो प्रोफेशनल रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस रहेगा गवर्नमेंट का तो 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रखा गया है। और यहाँ पे आपको जो अपने अगर नेशनल इंटीग्रेटेड स्टेटस सब्सक्राइब विद लेटर सर्विस सब्जेक्ट वेरिफिकेशन जो 6 महीने का रहेगा, अलग अलग हिसाब से यहाँ पे दे रखा है, पर्सनैलिटी अपीयरेंस के लिए 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज 5 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस जो रहे हैं जिनके आपका PSU या MW इस कंपनी में, उनको यहाँ पे इस तरीके से नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का टोटल आपका इंटरव्यू बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। मैंने जो भी इसके बारे में डिटेल था CRPF के आपके असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जितना ही मेरी थी मैंने सब बता दिया यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े हैं हमारे चैनल, धन्यवाद।